नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन आखिरकार अपना गेम खेल ही गया। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि चीन इस वायरस के बारे में अब तक दुनिया को जितना बता रहा है, जितना दिखा रहा है, उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा है। इसके बावजूद चीन से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। अब जैसे देखिए, चीन में अचानक से 2 करोड़ सिम बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गए। इन 2 करोड़ लोग, ये जो जिनके पास ये सिम थे, वो पूरी दुनिया से कट गए। तो सवाल ये कि ये जो 2 करोड़ एक्टिव मोबाइल सिम को डीएक्टिवेट क्यों किया गया? लोगों ने किया, सरकार ने कर दी, ये इसका राज क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं आज कि चीन से अब सिटीजन जर्नलिस्ट भी गायब हो रहे हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए चीन की हकीकत दुनिया को बता रहे थे, वो अचानक से गायब होने लग गए। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इनके तार कहीं न कहीं उस मिसिंग सिम कार्ड की जो पहली है उससे तो नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि कम्युनिस्ट चाइना और सिटीजन जर्नलिस्ट, ये बात सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वो इसलिए कि चीन में तो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी है। सूचना क्रांति के इस युग में चीन अपने नागरिकों पे सिर्फ दमन ही नहीं करता है, वो दुनिया के सामने नहीं आए इसके लिए उस पर कड़ी निगरानी भी रखता है। ऐसे में सिटीजन जर्नलिज्म को चाइना कैसे पनपने दे सकता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब वो कोरोना से जुड़े अपने सारे काले कारनामों को छुपाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। पूरी दुनिया में मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं कि कम से कम ये जो वायरस जो फैला है उसमें चीन को ना फंसाएं। लेकिन ये सच्चाई है कि जब कोरोना का तांडव चीन में जारी था तो चीन की सरकारी मीडिया उसकी पर्दापोशी कर रही थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिसको हम सिटीजन जर्नलिस्ट कह सकते हैं चीन में, जो कोरोना के बारे में सटीक जानकारी पूरी दुनिया को दे रहे थे और दमनकारी कम्युनिस्ट सरकार के दावों के पोल लगातार वो लोग खोल रहे थे। उन जर्नलिस्टों में से कई ऐसे हैं जिनका अब कोई अता पता नहीं है। उन्हें जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ है। लेकिन एक शख्स जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ली जिहुआ, इस एक मायने में वो खुशनसीब थे कि उन्होंने अपनी बातें दुनिया तक पहुँचा दी, क्योंकि उन्होंने अपनी गुमशुदगी की पहले, अभी वो गायब हैं, एक वीडियो उन्होंने जारी करके वो चीन की सारी पोल खोल दी थी। ली चाइना के एक जाने माने जर्नलिस्ट है। वो अपना जो सिटीजन जर्नलिज्म का काम शुरू करने से पहले वो चीन की सरकारी टेलीविज़न CCTV में बतौर वो न्यूज़ एंकर थे और काफ़ी लोग उनको जानते थे। वो खुद कहता है कि उससे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, एक बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए उसके पास सारे संसाधन थे। ऑब्वियसली जो चीन में जो टॉप एंकर्स हैं उसको तो सरकार ही उसकी पूरी व्यवस्था करती है। लेकिन उसने चीन की जनता और दुनिया को चीन की हकीकत दिखाने के लिए अपनी नौकरी पर लात मार दी और सिटीजन जर्नलिस्ट बन गया। ली जैसे ही कई सिटीजन जर्नलिस्ट चीन में अब रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। उन्होंने कोरोना के बारे में सच्ची तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी, खास तौर पर वुहान की सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, वो भी ऐसे समय में जब चीन दुनिया से ये कह रहा था कि उसने इस खूनी वायरस पे काबू पा लिया है और दुनिया कह रही थी कोरोना के फैलाव में कहीं ना कहीं चीन की साजिश ज़रूर है। इन जर्नलिस्टों के गायब होने से ये शक ज़रूर गहराता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका ज़रूर है, चीन कोई बहुत बड़ा खेल ज़रूर कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो सिम डीएक्टिवेट का जो कहानी है उसकी हकीकत क्या है। पिछले दिनों 19 मार्च को चीन के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी प्रांतों के सेलफोन उपभोक्ता और लैंडलाइन उपभोक्ता के आंकड़ों की जानकारी दी थी। बाद में जब पुराने आंकड़े से नए आंकड़ों की तुलना की गई तो मालूम हुआ कि पिछले 2 महीने में, यानी जनवरी और फरवरी में, 21 मिलियन मोबाइल सिम कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख सिम, ये सिम जनवरी और फरवरी के महीने में कैंसिल हुए थे जब चीन में कोरोना का खेल अपने शबाब पर था। इन आंकड़ों से कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली यह है कि चीन
एक हाईली डिजिटलाइज देश है। बिना डिजिटल हुए, बिना मोबाइल फोन के उपयोग से वहाँ जिंदगी जी नहीं जा सकती, बिल्कुल दुश्वारी, ये जीना वहाँ पर नामुमकिन है। चाहे सरकारी पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा का लाभ हो, ट्रेन टिकट हो, घर के ज़रूरी सामान को खरीदारी की ज़रूरत हो, सब चीज़ वहाँ उसके लिए मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होती है। पिछले 1 दिसंबर को चीन में एक फरमान जारी हुआ था जिसमें हर मोबाइल यूजर के लिए यह अनिवार्य था कि वो अपना चेहरा स्कैन करवाए। साथ में यह भी अनिवार्य रूप से आदेश दिया गया था कि हर यूज़र अपने बैंक खातों और सामाजिक सुरक्षा खातों, जो सोशल सिक्योरिटी अकाउंट को मोबाइल से लिंक करें, जिस तरह से हिंदुस्तान में आधार को लिंक करवाया जाता है। यह कार्रवाई इसलिए भी की गई थी कि सरकार को अपने नागरिकों पर निगरानी रखनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सबका डाटा एक जगह और सब पे वो बाकायदा जासूसी की जा सके। यही नहीं, चीन ने फरवरी में एक ऐप जारी किया था जिसे अनिवार्य रूप से मोबाइल में डाउनलोड करना था। इस ऐप का नाम था क्लोज कॉन्टैक्ट डिटेक्टर ऐप। इस ऐप में अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी देनी होती थी और इसी जानकारी की बुनियाद पर 3 रंग के बार कोड्स जनरेट होते थे। मतलब आपने अपने हेल्थ के बारे में बताया तो 3 कलर के बार कोड्स वो जनरेट होते थे। लाल का मतलब था कि आप किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते। हरे रंग का मतलब था कि आप संक्रमित नहीं हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो चीन का दावा है कि इसी ऐप की मदद से वो अपने देश में कोरोना को फैलने में कामयाब हुआ है। मतलब ये कि वो तो वहाँ तो दूसरे तरह की सरकार चलती है ना, तो जैसे ही वहाँ पे वो बार कोड और मोबाइल में इस तरह का फीडिंग आता था, तो जैसे अभी लोगों को कहा जा रहा है भाई आप हिंदुस्तान में क्या बाहर मत लगो, बाहर मत निकलो, लेकिन चीन में वो अपने आप फोन के जरिए लोगों को मॉनिटर कर रहे थे। ये चीन का दावा है कि वो, अब ये तो कहानी आगे चल करके मालूम चलेगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, चीन किस तरह से पूरी दुनिया में इस वायरस को, डेडली वायरस को जो फैलाया है। लेकिन जो चीन में जो दलील दी जा रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर बड़ा सवाल वही है कि जब मोबाइल फोन के बिना चीन में कोई व्यक्ति एक कदम नहीं चल सकता, तो फिर सारे मोबाइल फोन कैसे डीएक्टिवेट हो गए, वो भी 2 करोड़ 10 लाख। इसके लिए यह दलील दी जा सकती है कि बहुत सारे लोग दलील दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कि लोग 2-2 और 3-3 सिम लोग रखते हैं, इसलिए अल्टरनेट सिम को उन्होंने बंद करवा दिए होंगे चूँकि ये सब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इस दलील को यदि सही मान लिया जाए तो भी 2 करोड़ 10 लाख का आंकड़ा ये हजम नहीं होने वाली बात है। इसमें एक तथ्य ये भी है कि सिम रखने के लिए चीन में बुनियादी मासिक फीस देनी पड़ती है, मंथली उसका एक चार्ज लगता है। इसलिए ऐसा बहुत कम होगा कि कोई व्यक्ति यूं ही बिना ज़रूरत के 2 सिम रखे, वो भी सारा चीज़ आपका कनेक्टेड है आपके फ़ोन नंबर से, तो आप दो फ़ोन नंबर आप क्यों रखेंगे, ये समझ के बाहर की चीज़ है। ऐसे में जब यह देश महामारी से उबरने की कोशिश कर रहा है और जहाँ मोबाइल ऐप से ही पता लगाया जा रहा है कि कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, कौन कब कहाँ गया और किस जगह किस व्यक्ति से मिला, ये सारी चीज़ें तो मोबाइल ऐप से ही हो रही है, तो ऐसे समय में इतने सारे सिम बेवजह तो नहीं डीएक्टिवेट किए जा सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि वो निगरान। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारे लोग 2-2 सिम लेकर के घूम रहे हों, जबकि पहली बात क्या है इसको समझने की कि सारा कुछ फ़ोन के जरिए आपका कनेक्टेड है, सब कुछ आप जो है फोन में आपका बैंक अकाउंट से लेकर सारा कुछ उसमें ये है, तो 2 फोन नंबर रखने की कोई औचित्य नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार इस फोन नंबर के जरिए ही पता लगा रही कौन बीमार है, कौन क्या है, कौन नहीं है, कौन किससे मिला नहीं मिला, और ऐसे में 2 करोड़ सिम अचानक से गायब हो जाए, ये एक समस्या ज़रूर है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिले जब तक कोई तथ्य नहीं मिले, लेकिन एक तो लॉजिक भी कोई चीज़ होती है। जब सरकार को इस फोन के जरिए सब कुछ करना है और उसको ही बंद कर देती है, इसका मतलब साफ है कि आदत तो वो यूज़र गायब हो गया या फिर कोई और कारणवश ये फ़ोन डीएक्टिवेट किए गए हैं। अब एक और दलील दी जा रही है कि नया साल आने वाला था इसलिए कई सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, चूंकि कंपनियां बंद हो रही थी, जिस तरह हिंदुस्तान में सब लोग घर लौट रहे हैं, तो वो लोग घर लौट रहे थे, उन्होंने जो अपने एक सिम जो है उन्होंने बंद करवा लिए। ये संभव है
लेकिन इसमें दो, इस दलील में दो प्रॉब्लम है कि इतने सारे एक ही बार बंद हो जाएं, और दूसरा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो दो दो सिम लेकर के क्या करेंगे, और चीन के तीनों सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां में से एक ही तरह के सब में ट्रेन देखे जाएं तो वो भी थोड़ा हजम नहीं होता है। तो सवाल यही है कि क्या ये जो नंबर गायब दिखाए जा रहे हैं वो कोरोना महामारी में हताहत होने वाले लोगों की संख्या है? शायद नहीं, क्योंकि चीन इतनी बड़ी जानकारी अपने आयरन कर्टेन में भी छुपा नहीं सकता। इतने सारे लोग मर जाएं और चीन की वो उस तरह से सारी चीज़ों को वो छुपा नहीं सकता है। लेकिन ये भी सच है कि चीन इस महामारी में मारे गए लोगों का जो आंकड़ा दिखा रहा है वो भी हजम नहीं होने वाली बात है। ये संभव नहीं कि चीन जो कोरोना वायरस का केंद्र रहा वहाँ महज 3287 लोग ही मारे जाएं, और इटली जो चीन से यह बीमारी को अपने घर लेकर के आया वहाँ पे हताहत होने वाले संख्या 8000 से अधिक हो जाए। जानकारों का कहना है कि यदि डीएक्टिवेटेड सिम के 10% लोग भी कोरोना के शिकार होंगे तो चीन में कम से कम 20 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा जो है 20 लाख हो जाएगा। अक्टूबर 1949 में अपनी स्थापना के बाद 1989 में तियानमेन स्क्वायर और उगर मुस्लिम तक चीन ने अपने नागरिकों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए हैं वो उसके लाख छुपाने के बावजूद दुनिया के सामने वो सारे कारनामे आ ही गए। कोरोना पर तरह तरह की थ्योरीज इसलिए आ रही है क्योंकि चीन इस इंफॉर्मेशन एज में भी उसका पूरा जो कार्यक्रम है, उसकी जो पूरी जो कोशिश होती है वो है चीन से खबरों को बाहर नहीं जाने देने की। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ली जैसे नौजवान चीन की हकीकत से पर्दा उठाएंगे और कुछ दिनों बाद ये पता चल जाएगा कि कोरोना से चीन में कितने लोग हताहत हुए। फिलहाल ये बात जरूर कही जा सकती है कि 3287 का जो आंकड़ा चीन दिखा रहा है वो सही नहीं है। डीएक्टिवेटेड सिम और गायब होते जर्नलिस्ट यही कहानी बयां करते हैं, और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है दुनिया भर में चीन के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। सरकारी जो विभाग है वो डिप्लोमेटिक तरीके से बयान जरूर दे रही हैं, लेकिन दुनिया भर की आम जनता की नज़र में चीन एक विलन बन गया है। दुनिया जब कोरोना के कहर से उबर जाएगी तो यकीन मानिए चीन को पाई पाई का हिसाब देना होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।